पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेल मंत्रालय द्वारा राज्य में मालगाड़ियों का परिचालन बंद करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुला पत्र लिखा है। कहा है कि किसानों ने मालगाड़ियों के परिचालन में बाधा न डालने का वादा किया है, इसके बावजूद यहां मालगाड़ियां नहीं आ रही हैं। कैप्टन ने नड्डा से सामूहिक इच्छा शक्ति का आह्वान किया है। कैप्टन ने लिखा कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके न केवल पंजाब बल्कि लद्दाख और कश्मीर में सशस्त्र बलों सहित पूरे देश के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कैप्टन ने कहा कि यह समय राजनीतिक टकराव या आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इसके नतीजों का हवाला देते हुए कैप्टन ने कहा कि मालगाड़ियों को रोकने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी के दौरान लद्दाख और घाटी की सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे में वहां आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना जरूरी है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कैप्टन ने नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि खतरा ना तो केंद्र सरकार और न ही राजनीतिक दल का है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि हमें देश हित में विवादास्पद मुद्दे का हल निकालना चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण इंडस्ट्री भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसान यात्री ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली न करने पर अड़े हैं। हालांकि उनका कहना है कि मालगाड़ियों को वे आने देंगे, लेकिन रेलवे मालगाड़ियां नहीं चला रहा। इसका असर थर्मल प्लांटों की कोयले की सप्लाई के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने से जहां स्टील के दाम में इजाफा होने लगा है, वहीं उत्पादन पर भी असर पड़ने लगा है। लुधियाना में 70% बाजार लोहे के उत्पादों से जुड़े हैं। यहां रोजाना की खपत के मुताबिक मटेरियल नहीं मिलने के चलते उद्यमियों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर स्टील का रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाने और दाम को निर्धारित करने के लिए कमेटी बनाने की मांग की है।